गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेस करना, ठीक है। सपोज एक सीट है और उस सीट पर दो ही पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर और सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट दो डिफरेंट पर्सन है, एक कॉपर दूसरा सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या हुआ, एक सीट पर बैठे हैं और एक और बंदा उस सीट पर बैठना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर उसमें पावर दूसरे जो बैठे हैं उस बंदे से ज्यादा होगी तभी तो वो उसको क्या कहेगा, खड़े हो और मैं बैठूंगा, नहीं तो अपनी सीट कोई क्यों छोड़ेगा, है ना। सेम हमारे सब्सटेंस के साथ भी यही है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेंगे, रिमूव करते हैं और उनकी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं आपको, आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। एक सीट है और सीट पे सिर्फ दो ही पर्सन बैठ सकते हैं, सपोज, ठीक है। एक बैठा है कॉपर, दूसरा बैठा है सल्फेट। कॉपर सल्फेट बैठा हुआ है क्या एक सीट पर, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब हम जिंक के साथ, जिंक उससे ताकतवर है, किससे ताकतवर है, कॉपर से ताकतवर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जिंक कॉपर को उठाएगा और अपना आप उस जगह पे जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो सेम सब्सटेंस की भी एक खासियत है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस आपके लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उनका स्पेस ले लेते हैं। उसी के लिए टर्म यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल वही कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, कैसा है, सिल्वरी व्हाइट। ये इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर को रिमूव करेगा और कॉपर की जगह खुद बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर, देखिए कलरलेस, कौन आपका जिंक सल्फेट और कॉपर कैसा है, रेड ब्राउन कलर। इस चीज को आप एक्सपेरिमेंटली लैब में भी करके देख सकते हैं। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए टेस्ट ट्यूब में जो कि ब्लू कलर का होगा, उसमें जैसे ही आप जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा और जिंक सल्फेट कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि उसने क्या कर दिया है, कॉपर को रिमूव करके खुद वहां पर आ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन कॉपर सल्फेट की मैग्नीशियम रिबन के साथ, कॉपर सल्फेट यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन में। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके, कॉपर से, इसलिए मैग्नीशियम कॉपर को रिमूव करेगा और उसके प्लेस पर आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। सेम इसी तरह से जैसे कि अभी हमने पहले वाली रिएक्शन में पढ़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, सेम आयरन भी कॉपर को रिमूव करेगा और उसका प्लेस ले लेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर है कैसा है, ऑलवेज ब्लू है ना, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन बाकी के कलर अगेन एंड अगेन चेंज हो रहे हैं, तो ये कैसा है, ग्रे। ये आप लैब में भी कर सकते हैं। एक कॉपर सल्फेट की एक ट्यूब लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट लीजिए, आयरन की नेल होती है कील, ठीक है, उस कील को उसमें डिप कर दीजिए, आप देखोगे कि कुछ ही घंटे में कॉपर सल्फेट में से कॉपर रिमूव होके वहां पे आयरन आ जाएगा, फेरिक सल्फेट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश, जो ब्लू था वो कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश, और कॉपर का कलर क्योंकि कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, तो इस आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, क्योंकि कॉपर वहां पर जाकर बाइंड अप हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत बार 10th एग्जाम में आई है बोर्ड में, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक सेकंड क्लोराइड, ठीक है, इसका कलर कैसा है, ग्रीन। जब ये लेड, लेड कैसा है, ब्लूइश कलर का है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो लेड क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक सॉरी लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर बनाता है, कॉपर वही रेड ब्राउन और आपका लेड क्लोराइड कैसा होगा, कलरलेस। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर का रंग आपको पहले पता है रेड ब्राउन है, ठीक है, और आपके सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा है, कलर लेस है। जब कॉपर एजी मतलब सिल्वर को रिमूव करता है तो कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू कलर का हो जाएगा और सिल्वर का कलर ग्रेश व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन की छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में, इसलिए उनको कहा है आयरन फिलिंग प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन इस Fe को रिमूव करेगा, सॉरी ये आयरन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, आयरन सेकेंड क्लोराइड प्लस H2 गैस,
ठीक है, फेरस क्लोराइड भी इसको कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था आयरन सेकंड का मतलब है कि Fe की टू वैलेंसी है, आयरन थर्ड का मतलब है कि वहां पे आयरन की थ्री वैलेंसी है, और मैग्नेटिक आयरन है तो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेम ये बहुत रिएक्शन आती है बहुत बार, सोडियम प्लस वाटर H2O, सोडियम आपका सॉलिड, वाटर आपका लिक्विड। सोडियम हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सेम क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्लोरीन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को रिमूव करेगा और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और आयोडीन बाहर आ जाएगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर को रिमूव करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर की फॉर्मेशन करेगा। इन सभी रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और उनका प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे।